एक सेकंड के लिए भी मैं इस फिल्म की स्टोरी पटकथा एक्टिंग इस समय नहीं जाने वाली हूँ बट आई विल गो बैक इन टाइम एंड इमेजिन वर्ल्ड मस्ट बिन लाइक इन 1994 नाइनटी फोर वॉचिंग फिल्म जुरसिक पार्क इंडिया में आके कोहराम मचा चुकी थी पहली नॉन हिंदी फिल्म मेरी लाइफ की मैंने घर पे देखी थी वीसीआर में एंड वोज अ होल इवेंट इंटरनेट से पहले ऐसे ही वायरल होते थे अंदाज अपना अपना भी ऐसे ही हिट हुई नाउ इट इज कंसिडर्ड अ क्लासिक बिकॉज पीपल से इट केम बिफोर इट्स टाइम बट वॉट डज दैट मीन हिंदी सिनेमा में क्या चल रहा था 1994 में वैल द हीरोइन रिमेन मेनली रिप्लेसेबल रिप्लेबल टेबल लैम्प और बुक शेल्फ मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म हीरो हीरोज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स बट हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम लेटिंग गो ऑफ द हीरो गिरी लोगों को आ नहीं रही थी उनकी जा नहीं रही रहती राजा बाबू का गोविंदा वॉज डूइंग कॉमेडी बट ऑल्सो बीटिंग पीपल अप मैं खिलाड़ी तू अनाडी वोज एक्सप्लोरिंग द बॉडी जॉनरा रफ बट देर बीटिंग पीपल अप चिरंजीवी वॉज द जेंटल मैन बट स्टिल बीटिंग पीपल अप and ajay devgan was pissed off in multiple films and beating people up

क्योंकि अ यंग राजकुमार संतोषी इन इज मिड थर्टीज अलोंग विद को राइटर दिलीप शुक्ला उन्होंने जोक्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्विक लाफ्स नहीं लिखे उन्होंने हर सीन को एक शॉर्ट स्टोरी की तरह ट्रीट किया एवरीथिंग थिंग टाइंग इन द नैरेटिव एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स आप देखो वो जलाब वाला सीन देख लो एक शॉर्ट स्टोरी की तरह उसमें एक बिगिनिंग है प्रेम के लिए खाना लगा है लेकिन अमर हु इज जेलस ऑफ प्रेम ही कम्स और वो उस खाने में जुलाब मिला देता है

कॉम्प्लिकेशन hmm. की दूसरी लेयर भी है यहाँ पे ऑरेंज स्लाइसेस एंड ही कांट एक्सेप्ट ही हैज टू द लू प्रेम के कपड़े अस्त ध्वस्त होते जा रहे हैं जैकेट उतर गई है शर्ट के बटन यहाँ तक खुल गए हैं टाई गले से निकाल कर उसने बेचारे ने सर पे बांध लिया है ही कीप स्ट्रांग टू कम बैक एंड सोल्व हिज इश्यू विद एक्सप्रेसिंग हिस्स यानी स्टोरी की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है एंड देन वेन द कॉन्फ्लिक्ट रीच इज अ पॉइंट वाई यूर लाइक प्रेम अब टॉयलेट गया तो बेहोश हो जाएगा एंटर्स द सोल्यूशन यानी वी मूव टू द एंड ऑफ द स्टोरी प्रेम एग्जिट्स द बेल्कनी अमर एंटर्स एंड टेक्स द ऑरेंज स्लाइस तो सीन कंप्लीट हो गया एक शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई और फोर शैडोइंग भी कंप्लीट हो गई दैट रवीना विल गो टू अमर इन दिस टसल I, mean, I tried it throughout this film. It is fascinating and really commendable how each and every one of these scenes has a perfect narrative structure. And not just a narrative structure, there are so many storytelling techniques used by Rajkumar Santoshi so perfectly throughout the film. Take the scene where Amar Prem meet Ram Bajaj for the first time. The boys have come home, but we can tell that they are being overconfident and stupid. यहां पर हमें एज ऑडियंस ऑलरेडी पता है दैट राम गोपाल बहुत स्ट्रिक्ट है एंड वोट फॉल फॉर दिस चार्मिंग लेकिन अमर एंड प्रेम डोंट नो दिस तो वी नो दैट दे आर हेडेड फॉर ट्रबल ट्रबलैटिक आया नहीं वेयर वी नो दिचुएशन बेटरिस्ट इसको सिर्फ स्टोरी में डालना काफी नहीं होता है इसको रेकोगनाइज करके उसे यूज करके द वे अंदाज अपना अपना डज इन एस्टैब्लिशिंग द रामगोपाल बजाज एंड अमर प्रेम रिलेशनशिप इज वॉट मेक्स दिस टूल वेल यूजफुल

सोले पि देखी केकी हा 10 बार हाँ <laughs> इसके बाद ने लिखी है <laughs> ए, देख तो बहुत ही मजा जूही चावला एंड गोविंदा दे प्ले एग्जजरेटेड एंड अमलगमेटेड वर्जंस ऑफ देयर ऑन स्क्रीन पर्सोनास सलमान खान सिंग्स द साजन टाइटल सॉन्ग देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार 원암르 칸 कट द रिबन ऑफ द पुलिस स्टेशन बैकग्राउंड में चल रहा है तू चीज़ मस्त मस्त चल रहा होता है फॉर बैकग्राउंड स्कोर इन इन रवीना एंट्री ओनली वन शॉट ईच यानी पूरा सीन सिर्फ एक ही है क्राइम मास्टर गोगो का वो तो पूरा ही पैरडी है ऑफ द अंडरग्राउंड बंकर ड्वेलिंग हिंदी हिंदी फिल्मों में गैंगस्टर को विलन को ऐसा बुद्धू बेवकूफ टाइप कह को बताता है क्योंकि सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते हाँ और भी मतलब बहुत सारी अंधी बहन विधवा माँ टाइप हेड टिप्स हैं टू हिंदी सिनेमा सम सटल सम नॉट सो सटल थ्रू आउट द फिल्म पूरा ऐसे लिखा जा सकता है अंदाज अपना अपना पर और कई लोगों ने लिखे भी हैं लेकिन मेरी एक बड़ी यूनिक थ्योरी है जो अभी ना लॉकडाउन में मेरे दिमाग में आई है एनर्जिस्मिक सेंस नाइनटीन नाइनटी 1994 में ये फिल्म टारगेट कर रही थी एक ऐसी यंग ऑडियंस को विच वॉज यूज टू कॉम्प्लिकेटेड कॉमेडी राइटिंग लाइक दिस तो शायद तब समझ में नहीं आई ड्यू टू द लैक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स लाइक अंदाज अपना अपना फिर लेट 90s और अर्ली 2000s में क्या हुआ हमारी लाइफ का अभिन्न हिस्सा बने अमेरिकन सिटकॉम्स लाइक फ्रेंड्स साइनफेल्ड वो जनरेशन जो अभी 25 से 35 के बीच में है मेरी तरह उनको आसानी से ये कंटेंट मिलने लगा Cable TV, pur. we saw the theatrics of Chandler and Joey and began to really enjoy them. And due to home viewing of Hindi films also having become a big thing by then, CDs and DVDs were going around with everything from Citizen Kane to Kahona Pyar hai burnt into them. We also discovered our own Chandler and Joey in Amarin Prem. One funny guy with the one liners and one slightly stupid but pretty guy hoping to become an actor. And then it spread like wildfire.

नी आई गेस अगर इंडियन काउंटर पार्ट कोई रखना हो फॉर फिल्म लाइक एयरप्लेन एंड सुपर ट्रूपर्स डायलॉग्स विद पंच लाइन अपॉन पंच लाइन कि जितनी बार देखो कुछ नया ही सुनाई दे जाता है तो फॉर मेनी इंडियंस लाइक मी अंदाज अपना अपना इज बिल्कुल टॉप ऑफ दैट लिस्ट क्योंकि येस इट वॉज बिफोर इट्स टाइम बट इट्स ऑल्सो नियर परफेक्ट स्टोरी टेलिंग नाउ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अंडरफुल इंसाइट एंड टू वट दैट टाइम वॉज एंड हाउ थिंग्स इव चेंज फॉर हिंदी सिनेमा सेंस Now, in 2020, when we are back at the point where things are changing extremely drastically, admittedly right now we are a lot less prepared because the change is just way too sudden, I am hopeful that out of this changing atmosphere for filmmakers and audiences, maybe we get more Andaz Apna Apna's. There will never be another Andaz Apna Apna, Ye aap, all caps mein likh comments mein, I, I will accept. <laughs> Needless to say, the film that we travel to in today's FC Time Machine still holds up. अल्ट्रा के YouTube चैनल पर जाकर देखो और कमेंट करना सुचारिता सेंट मी हियर वैलिडेशन सो शुड वी अरेवेल टू नेक्स्ट इन एफ सी टाइम मशीन यू गाय बताइए नेटफ्लिक्स एमेजॉन मूबी वोट हॉटस्टार सब सब्सक्रिप्शन है अपने बस सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन देन कम मीट मी ऑन इंस्टा एंड अदर प्लेसेज बट घर से बाहर मत निकलना है आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू टेक केयर Bye. God damn it. This is the most important line of the whole thing and I'm messing it up. Wait, I'll have to pause because that helicopter is just decided to go over. Ab conflict ke Complication ki doosli. Ah. Great. And we're done.